अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून कल्ला लव तालमूना इल्मल यकीन लतरहुन्नल जहीम सुम्मा लतरहुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम। खालिक़े कायनात ने इस पूरी सूरत के अंदर इंसान के उमूदी रवैये का जिक्र किया, तज़किरा किया कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर इंसान की करता है और असा इंसान किस वास्ते दुनिया से भेजे। इस सूरत का शान नज़ूल बनू सहम और बनू अब्दे मनाफ ये दो कबीले सन। बनू सहम और बनू अब्दे मनाफ इन दो कबीलों के अंदर कोई उलझन की वजह तो झगड़ा शुरू हो गया और इन्होंने एक दूसरे तो अपना माल और अपने अफराद की गिनती शुरू की थी। एक कबीला आखे कि साढ़े ज़्यादा माल साढ़े को ज़्यादा माल है साढ़े को ज़्यादा अफराद ने साढ़े को ज़्यादा कौम है असी बड़ी इज्जत वाले उरूज वाले तमन्ना वाले। लेकिन दूसरा कबीला बनू सहम आखे कि नहीं साढ़े को अफराद ज़्यादा। इस कबीले इन दो कबीलों ने जदों आपस के अंदर शुमार किया गिनती शुरू की अफराद गिनना शुरू कर दिता। फिर इन्होंने अपने जेड़े फौतशुदा सन दुनिया तो चले गए सन उन अफराद की भी गिनती शुरू कर दी। उन्होंने भी गिनना उन्होंने कसरत को शुरू कर दिता। हद तक जेडे लोग कबरां दे विच पहुँच गए सी उन्होंने भी जो इन्होंने गिरना शुरू किया ना तो रब्बुल आलमीन ने उन दो कबीलों के इस झगड़े और एक दूजे तो इज्जत और अपना मकाम बुलंद करते सन जो उन्हें गिनती शुरू की खालिक़े कायनात ने सूरत का इंजाम उदो नाजल फरमा दी। उस वक्त रब्बुल आलमीन ने सूरत नाजल की फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर फरमाया तुम्हें तुहानू तुहाड़ी कसरत ने हलाक कर दिता। ए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर तुहानू तुहाड़ी कसरत ने हलाक कर दिता हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर इत्थों तक कि तुसीं कबरां दे अंदर पहुँच गए। रब्बुल आलमीन ने उन्हां दा तज़किरा किया इंसान दी इब्तदा जो इंसान नूं होश अकल फहम आ जाती है जो इंसान बाशऊर बन जाता है उस वक्त वो अपनी जिंदगी ऐसे उधेड़पन के अंदर गुजार देता है कि वह आंदा है मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि मेरे को दौलत होवे मेरे को शोहरत होवे मेरे को माल होवे बस इसे वास्ते। और इन्हों हासिल करद्या करद्या इंसान अपनी जिंदगी जाया कर लेता है एक जमाना बीत जाता है पूरी दी पूरी जिंदगी उनकी हसरत होती कि काश मेरे को ज़्यादा तो ज़्यादा माल होवे दौलत होवे शोहरत होवे अच्छी कोठी अच्छा बंगला होवे लोग मैनु सलाम करन। खालिक़े कायनात ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर फरमाया तुहानू तुहाड़े कसरत ने ये जिहड़े तुसी कसरत करदे हो इसने तुहानू हलाक कर दिता तबाह बर्बाद कर दिता। अज असा देखने भाई नू भाई की कदर नहीं दोस्त नू दोस्त की कदर नहीं रिश्तेदार नू रिश्तेदार की कदर नहीं एक मुसलमान नू दूसरे मुसलमान का एहसास नहीं। क्यों वजह की आ गई असा कसरत दे माल नू शुरू कर दिता असा दुनिया की दौलत नू इकट्ठा करना शुरू कर दिता। फिर जदों दुनिया के माल दौलत नू शुरू कर दिता ये अज का नहीं ये अज तो 1400 साल 1700 साल पहले का भी यो ही मामला सन। पहले एक ऐसा जमाना सी ऐसा वक्त सी पहले कि जिंदे कोल ज़्यादा औलाद होती सी वह आंदा सी भी मैं बड़ा मुअज़्ज़ज़ बंदा वा। पहले लोग 100-100 शादियां करदे 200-200 शादियां कर देंदे
आप और कह दे कि मेरी औलाद ज़्यादा होगी, लोग मैनू मुअज़्ज़ज़ समझन दे, लोग मैनू सलाम करन दे कसरत दे औलाद दी वजह दे नाल लोगों तो मेरी बरतरी आ जाएगी। आज इस दौर दे अंदर भी जिस दे कोल औलाद ज़्यादा होवे, जिस दे कोल माल ज़्यादा होवे, कहंदा मैं बड़े इज्जत वाला बड़े मकाम वाला, लेकिन ये मकाम नहीं, मकाम होए जिस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया, लेकिन इंसान अपना मकसद भूल गया। इंसान दुनिया के लाभो लाह के अंदर अपनी जिंदगी नूं ज़ाया कर देता है, जदों खबर के अंदर पहुँचता है फिर अपनी जिंदगी का पछतावा लैके जाता है, सोचता है काश कि मैं दुनिया से रह के अपने मालिक हकीकी नूं याद किया होता, काश कि मैं अपने रब की बारगाह के अंदर सजदा रेज होया होता, जिहड़ा मैनू दुनिया से रब्बुल आलमीन ने उम्र दिती, शायद कि उस उम्र नूं मैं रब्बुल आलमीन की रजामंदी के नाल गुजार देता, शायद कि मैं अपनी उम्र नूं इस तरीके दे नाल गुजारदा कि मेरा मालिक मेरे ते राज़ी हो जाता, मेरा रब मेरे ते राज़ी हो जाता, मैनू दुनिया की परेशानी तो सह लैंदा, लेकिन कब्र दे अंदर मेरी परेशानी ना आती। यारो इस वास्ते एक शायर ने बड़ा ही खूब शायरी के अंदर उसने तज़किरा किया, उसने कहा कि मेरी गुरबत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, मेरी गुरबत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपाए रखे। शायर ने किड़ा खूब किया, उसने कहा मेरी गुरबत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपाए रखे। यारो आज इस पुरफितन दौर के अंदर इंसान अपनी हकीकत नूं भुल गया, इंसान दुनिया के अंदर मस्त हो गया, दुनिया की रंगीलियां के अंदर इंसान ने अपना वकार नूं ज़ाया कर लिया, अपनी इज्जत नूं पामाल कर लिया। उसने सोचा नहीं कि रब्बुल आलमीन ने इंसान नूं किस वास्ते पैदा किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि लखफ लखफ एक ऐसी चीज़ है कि जड़ी इंसान दे हकीकत नूं भुला देती है, उनके मकसद तो उन्हें पिछा हटा देती है, उनकी हकीकत नूं भुला देती है, और दौलत की कसरत ऐसा लघव काम है कि इस जो इंसान की हकीकत नूं उसके मकसद नूं हटा देता है, उसकी हकीकत उसके मकसद तो उन्हें दूर कर देता है, सिर्फ वो सोचता है कि मेरा असल मकसद सिर्फ दुनिया की दौलत इकट्ठा करना है, अच्छा खाना अच्छा पहनना और ज़िंदगी गुजार के चला जाना। ना ना मेरे भाई, इस वास्ते रब ने तेनों पैदा नहीं किया। रब्बुल आलमीन ने कुरान रशीद के अंदर कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया कि असाने इंसान और जिन नूं इस वास्ते पैदा किया ताकि वो साड़ी इबादत करन, मेरी इबादत करन, मेरा कुरब हासिल करन, लेकिन इंसान को सब कुछ भुल गया। करीम आका अली सलातो सलाम के नक्शे कदम से चलना सी लेकिन वो भुल गया, अक्सर मकसद भुल गया। करीम आका अली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान हमेशा एक ही गल करता है कि माली 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 मेरा माल मेरा माल मेरा माल। करीम आका अली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो सिर्फ एक ही उनके दिल के अंदर ख्वाहिश है कि मेरा माल, मैं माल इकट्ठा करना है मेरा माल, लेकिन दोस्त वो तेरा माल नहीं, तेरा ते माल वो है ना। करीम आका अली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया तेरा ते माल वो है ना जेड़ा तू खा लिया, जेड़ा तू पहन ते जाया कर दिता, और जेड़ा तू अपनी आखरत के वास्ते अपनी खबर के वास्ते अल्लाह दे राह खर्च कर दिता, बाकी जो रह गया दुनिया ते वो तेरा नहीं, वो ते तेरे वारसां दा हो गया। तू अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इसका जवाब दे होना है, और दोस्त वो वक्त करीब है कि तू मैं अल्लाह दी बारगाह च पहुँचना है, और रब्बुल आलमीन ने पूछना है कि इंसान तेनों जिंदगी दी असा, फिर उस जिंदगी ते तू की कीता, फिर असा अगर दुनिया के अंदर उरजानी फहाशी के नाल जिंदगी गुजारी होगी फिर अल्लाह की बारगाह की जवाब देवांगे।
जी दुनिया के पिछे जेडे अपने वारसा के पिछे समाल इकट्ठा कर रहे हैं यारो वक्त दूर नहीं कि जो तेरी ते मेरी रूह निकलन दे करीब होगी खुद कुरान नहीं पढ़ सकन दे फिर कहेंगे मदरसे विचों बच्चे लेके आओ बच्चे आके सूरह यासिन पढ़नगे ताकि बाबे दे इस वास्ते यासिन पढ़ावनगे ताकि बाबे दे जेड़े साह अटके हुए ने वो साह निकल जान बाबे नूं मौत आ जाए यारो कुरान तो तू मौत ते सीखी कुरान तो तू मरना ते सीखिया कुरान तो जीना ना सीखिया कुरान नूं बरकत दी किताब ते तू बनाया लेकिन अपनी जिंदगी दे वास्ते राह हक दी किताब ना समझी इस कुरान दे मुताबक तू अपनी जिंदगी ना गुजारी यारो असा कुरान नूं बरकत वाली किताब ते समझिया दुकाना दी जीनत ते बना दिता दुकाना दे विच ते रख दिती अपने मकाना दे विच ते रख दिती लेकिन कुरान नूं पढ़िया ना पढ़िया ते उदों पढ़िया जदों बाबे दे सा अटक गए उदों फिर बुलाओ जी तालिब इल्मां नूं बुलाओ मदरसे दे तालिब इल्मां नूं बुलाया गया पढ़ो जी यासीन ताकि बाबे दे जिहड़े सा अटके होए ने ओह निकल जाण यार तू कुरान तो सिर्फ मरना ही सीखिया तू जीना ना सीखिया कुरान तो जीना सीख ये कुरान मरण वास्ते नहीं ये कुरान ते मरियां कौमां नूं जिंदा करन वास्ते आया है ये ते कुरान तेनूं जीना सिखांदा है एक बंदे जीना ईद इंज जी कुरान नूं पकड़ लै अल्लाह दा कुरान पढ़दा जा ते अपनी जिंदगी गुजारदा जा यारो असां अज कुरान तो दूरी इख्तियार कीती फिर जदों दूरी इख्तियार कीती ते फिर जदों बाबा मर गया फिर जिन्हां वास्ते असां हलाल ते हराम दी पहचान ना कीती जिन्हां वास्ते असां ईमान आलिया नाल धोखा कीता यतीमां बच्चियां दे नाल धोखा कीता बेवा औरतां दे नाल धोखा कीता असां हर एक दे नाल धोखा कीता लेकिन जदों इस दुनिया तो चले गए फिर औलाद नूं गुसल देना नहीं आता फिर औलाद नूं गुसल देना नहीं आता बुलाओ जी कारी साहब नूं फलां मौलवी साहब नूं बुलाओ जी वह गुसल देवेगा वह आए फिर तेरी औलाद उत्ते कपड़ा भी पहनाना ना आया उन्हूं गुसल देना भी ना आया फिर तेरा याद कर वक्त फिर तेनूं उन्होंने कपड़े तेरे उतारने नहीं जदों तू मर गया फिर तेरे कपड़े पाड़ दिते जाएंगे फिर तेरे कपड़े कैंची दे नाल कट दिते जाएंगे फिर तू एक हरकत भी नहीं कर सकेगा तू अपने आप नूं लावारिस समझेगा तेरे घर दे तेरे करीब नहीं आवनगे डरन दे तेरे तो फिर जेड़े घर आलियां ते तू इन्ना मान करदा सै जिन्हां दे वास्ते तू हराम दिन रात कमांदा रहा है फिर वो घर वाले तेनूं अपने घर दे विच्चों चारपाई भी नहीं देंगे वो वक्त दूर नहीं वो वक्त नूं याद कर फिर घर वाले आखणगे मस्जिद तो चारपाई लैके आओ घर वाले चारपाई देना गवारा नहीं करनगे आखणगे मस्जिद चो चारपाई लैके आओ फिर मस्जिद की चारपाई जदों लिया दी जाएगी फिर उन्होंने अपने बाप का गुसल देना भी नहीं आएगा उन्हें नहलाना ते कफन पहनाना भी नहीं आएगा उन्होंने पता ही नहीं कफन देना केंजे यारो गौर ते कर जिन्हां दे वास्ते तू दिन रात कमांदा रहा है दिन रात हराम ते हलाल की पहचान नहीं करता रहा है वो तो तेरे पिछे एक महीना कुरान भी कबर ते नहीं पढ़ सकते वो तो तेरे मरण की डेरे पिछों वंडियां हो जाएगियाँ हिस्से तकसीम हो जाएंगे पिछों औलाद अपना अपना हिस्सा लैके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनगे लेकिन तू कबर च पहुँच चुके होवेगा फिर जिस टाइम तेरी कबर तेनू कबर च पहुँचाया जाएगा फिर की किया जाएगा जी फलां कारी साहब को फलां बच्चों को जाओ फलां मदरसे जाओ सानू कुरान तोहफे दे अंदर दे मन ताकि असं अपने वाले साहब को तोहफा दे सकीए उन्होंने इशारे सवाब कर सकीए यारो जिंदे गौर ते कर जिंदी खातर तू दिन रात कमाई करता रहा दिन रात कमांदा रहा हक लाल की पहचान ना की वो तेरी कबर ते एक महीना कुरान ना पढ़ सके एक महीना तेरी कबर ते उन्हें कुरान ना पढ़िया एक महीना तेरी कबर ते भी दिन उत्ते बह के कुरान ना पढ़ सके यारो जिन्ना नहीं तू किसे दा हया ना कीता वो तेरी कबर ते आन के पढ़ भी नहीं सकते उन्हें पढ़ना भी नहीं क्यों नहीं पढ़ना जदों तू जिंज दा उन्हें खुआ के आया है पिछों उंज दे ही उन्हें अमल करनगे यारो गौर कर ऐ जिंदगी हमेशा रहन वाली नहीं कब्रस्तान दे अंदर जाओ देखो पुरानियां पुरानियां कब्रां ऐसे ऐसे बंदे गुजरे जिसम ते मक्खी नहीं बैठन देंदे सन लेकिन मना मिट्टी थले आ गए उन्हां दे कफन तार तार हो गए उन्हां दे कफन बसीदा हो गए उन्हां नूं कोई पहचानदा कोई नहीं उन्हां दा कोई नां नहीं दुनिया ते लैंदा लेकिन पता नहीं असां केड़ी उम्मीद ते
कड़ी आसा देसा हक हलाल की पहचान नहीं कर रहा है। यार जो तो मैं देखना मेरा दिल खून दे आंसू रोंदा है, जिस टाइम देखना बाप ने बेटे का कतल कर दिता, बेटे ने बाप का कतल कर दिता, भाई भाई का दुश्मन हो गया, यार हमेशा नहीं रहना, ऐ जिंदगी गुजर जानी, अल्लाह की बारगाह हर एक इंसान ने पहुँच जाना, लेकिन जो तू मर जाना तेरे करीब किसे नहीं आना, तेरे करीब तेरे अपने भी नहीं आवनगे, फिर वो भी आखन के चंद घंटे बाद भी लै जाओ बाबे ने चुक लो, फलां चौधरी साहब नू, हाजी साहब नू, वजीर साहब नू चुक लो, ताकि वो ना मार जाए, घर के अंदर समेल ना आ जाए, इन चार पाई उठा के लै जाओ कब्र के अंदर, सारे काले होवन गए आखन के बाबे नू लै जाओ भी कब्रस्तान लै जाओ। यारो एक दिन इस दुनिया तो जाना है, लेकिन इंजदा जाइए कि असा अपने अमाल नू नाल लैके जाना है, नेक अमाल जेड़े किते होणगे उसनों नाल लैके जाना है। मियाँ मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी कश्मीर रूमी कश्मीर बोले, आपने किड़ा सोना किड़ा सोना एक शेर दे अंदर ऐसा सबक दिता कि सारी दुनिया के वास्ते इबरत है, अगर वह सबक नू याद कर लवे तो अपनी जिंदगी ऐसी गुजारेगा कि कायनात उन्हें याद करेगी। रूमी कश्मीर आरफे खड़ी आप बोले, मियाँ मुहम्मद बख्श बोल के कहते ने जा दीवार डरावना बने आ ते हथ न ला दे जा दीवार डरावना बने आ ते हथ न ला जांदी वार डरावना बनया ते हथ ना लांदे डरदे जिन्ना लई तू पाप कमाया अज किथे हो तेरे घर दे, सारे कबर दब के तेनू आ जाणगे, लेकिन अगर रब्बुल आलमीन ने की फरमाया असा केड़े कमां नू पै गए, असा दुनिया दा माल इकट्ठा करना शुरू कर दिता। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद दे अंदर फरमाया अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया कि तुहानू कसरत माल ने हलाक कर दिता, इतों तक तो तुसी कबरां च पहुँच गए। इंसान दुनिया ते आंदा मकसद एक, वो अपना जदों जी शऊर बन जाता है वो असी इको जी मकसद है दौलत कमानी, दौलत कमा के अच्छी नौकरी लग जाना है, अच्छी नौकरी लगते जी अच्छी जिंदगी गुजर जानी, चलो जी कबरे च पहुँच गया गल खत्म। अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी नौकरी तो बाद अच्छी जिंदगी गुजारनी है, अच्छी ऐशो अशरत वाली जिंदगी गुजार के गल खत्म। इस वास्ते इंसान नो रब्बुल आलमीन ने पैदा नहीं किया, खालिके कायनात ने करीम आका अली सलात व सलाम की जुबान अकदस के अंदरों फरमाया हबीब अपने कौम नो मेरा पैगाम मेरा कुरान सुना और उन्होंने लोगों को दस हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर के इतों तक कि तुसी कबरां दे अंदर पहुँच गए हाले भी तुहाडी कसरत माल की आदत ना गई। यारो करीम आका अली सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया अगर एक बंदे नू एक वादी जितना सोना दिता जाए, कितना सोना एक वादी दो पहाड़ों के दरम्यान जी जगह होती उन्होंने वादी कहते हैं, फरमाया एक वादी भरी होवे सोने दी बंदे नू दिता जाए, बंदे ऐला सोना तू ले लै, बंदा फिर भी ख्वाहिश करेगा काश एक होर वादी मेरे को होंगी, काश एक होर मेरे को वादी होंगी, उन्हें दूसरी अगर वादी दी जाए तो फिर वो सोचेगा उनके दिल के अंदर हिरस पैदा हो जाएगी काश के मेरे को तीसरी वादी भी होंगी। करीम आका अली सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया बंदे का मुँह सिर्फ कबर की मिट्टी भर जाती है, दुनिया की चीज़ दुनिया की कोई चीज़ बंदे की हिरस नू पूरा नहीं कर सकती, बंदे का मुँह नहीं भर सकती। यारो वो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक इंसान से लैके आना है, लेकिन इंज दी जिंदगी गुजार के जा। फिर अगे फरमाया सूरत तो तकास देर पहले फरमाया अलहाकुम तकासुर, लोगो तुहानू कसरत माल ने हलाक कर दिता, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून, फरमाया अन करीब तुसी समझ जाओगे, अन करीब तुसी कल्ला सौफा तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून, फरमाया फिर
अन करीब तुम समझ आओगे, पहले भी रब ने समझाया कि तुम समझ ही आओगे, फिर समझाया सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, और जल्दी तुम समझ आओगे कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, और तुम यकीन भी कर जाओगे यार असी किदो अख खोलांगे, किदो हराम तो बाज आवांगे, जो अपनी किदो असी अखा खोलांगे, जो अखा बंद हो जाएगियाँ फिर अखा खोलन का फायदा कोई नहीं होना। फिर कबर के अंदर हजरत अबू जर हजरत जारीन बिन खुबैब रजी अल्लाह हजरत जारीन खुबैब रजी अल्लाह तआला नो आ फरमाते ने कि असा ना इस गल सानू शुभा सी कि शायद कबर के अंदर भी अजाब होना है या नहीं होना, लेकिन जदों एक कुरान की आयत नाजर हुई सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हजरत अली अल मुर्तदा ने फरमाया कि इस तो मुराद कबर के अंदर अजाब है, कबर के अंदर अजाब है। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, अन करीब तुसी जरूर करोगे, यकीन तो तुसी करोगे, यकीन करोगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम, हर बंदे नु जहन्नम दिखाई जाएगी, हर बंदे नु जहन्नम दिखाई जाएगी। यारो तू ते मैं जदों मरांगे, चाहे वह मुसलमान होवे चाहे वह काफर होवे, हर बंदे ने काफर ने जहन्नम इस वास्ते वेखनी है कि उसने जहन्नम दे विच रहना है, और बंदा मोमन ने जहन्नम इस वास्ते वेखनी है कि वह वेखदा कि अगर मैं अल्लाह की ना फरमानियाँ करदा तो मैं इन जलाइया, इस वास्ते सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा अइनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम। फिर अल्लाह की बारगाह में फरमाया कि तुहानू जिहड़ियां मेरियां नेमतां ने इस दा भी रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि तुहानू इन दे बारे भी सवाल किया जाएगा, नेमत जिहड़ियां तुहानू अता कीतियां इन्हां दे बारे सवाल किया जाएगा। करीम आका अली सलातो सलाम दी बारगाह च पुछया गया सोना इस तो मुराद की है, किहड़ियां नेमतां तो सवाल किया जाएगा, फरमाया चाहे वह दरख्तां दा साया होवे चाहे वह ठंडा पानी होवे, ये रब दियां नेमतां ने, यकीन है रब दियां नेमतां। यारो अल्लाह दी नेमतां नूं अगर कोई शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा अनासर नामी शख्स होया यूनान दे विच, यूनान दे अंदर जहाजा ते अड्डे ते उनका अपना जाती अड्डा सी, बाबा जी मीटिंग एक बार खत्म कर दो, जुम्मा पढ़ लो तो बाद तुसीं मीटिंग कर लिया ने। यूनान के अंदर अनासर नामी एक शख्स होया यूनान के अंदर, उसका अपना जहाज़ा वाला अड्डा सी, कि अपना जहाज़ा वाला अड्डा, बड़ा अमीर 12 अमीर बंदे ने पूरी दुनिया से, वह 12 अमीर बंदों के बीचों एक बंदा वह अनासर सी, उनका नाम की सी अनासर, यूनान के रहने वाला। उसनों बीमारी लग गई, बीमारी की लगी कि आ जे पड़पोते ना वाले अख दे उत्ते वाला पड़दा जा, इन पट्ठे काम करना छड़ गए, इन्हें पट्ठे काम करना छड़ गया, अपनी मर्जी के नाल अख आपकी बंद नहीं कर सकता, ना अपनी अख खोल सकता तो ना बंद कर सकता है, ना अपनी अख खोल सकता ना ना तो ना ही अपनी अख बंद कर सकता है। बड़ा अमीर बंदा सी, उन्हें डॉक्टर रखिया, जिस टाइम उनका दिल करता ना कि मेरी अख हुण खुले, उस टाइम फिर उनकी अख नूं उतां करके ना उत्ते टेप लगा देता, और जिस टाइम वो चाहता कि हुण मेरी अख थक गई है बंद हो जाए फिर थले कर देंगे, यानी कि सलूशन टेप के जरिए वो अपनी अख खोलता भी तो बंद भी करता। ऐसी बीमारी उस अनासर बंदे नूं किसी ने पूछा कि अनासर यार तेरे दिल के अंदर कोई ख्वाहिश होवे, उसने कहा कि मेरे दिल के अंदर इक्को ख्वाहिश है कि काश मैं अपनी अख अपनी मर्जी नाल बंद भी कर सकता तो खोल भी सक, अपनी अख बंद भी कर सकता तो खोल भी सक। पूछा अनासर इस अगर खर्चा आवे, इन ते अगर दौलत खर्च करनी पवे किन्नी कु दौलत खर्च करेगा, अनासर बोल के कहंदा कसम रब्बे काबा दी अगर सारी दी सारी दौलत खर्च करनी पै जावे तो मैं कर देवा, लेकिन ये अख का जेड़ा पर्दा है ना मेरे इख्तियार विच हो जावे। ए अल्लाह दी असां कदे गौर ही नहीं किया कि किड्डी वड्डी अल्लाह की नेमत है, अख असं अपनी मर्जी नाल जिहड़ी बंद करने आ, ये नबीनिया को पुछो किड्डी वड्डी नेमत है, असं अपन कन्ना दे नाल जिहड़ियां गल्लां सुनने आ, यारो इसका सवाल सुम्मा तुस आलुन्ना यौमा नाइम, फरमाया हर नेमत दे बारे तवानू सवाल किया जाएगा। रब फरमाएगा बंदे तेरी अख दे अंदर रोशनाई रखी, असा तेरी अख दे अंदर दुनिया दिया रंगीलियां रखियां, तू वो ते वेखियां कदी कुरान भी वेखिया,
अल्लाह की बार का जैसा जवाब देना है। फिर रब्बुल आलमीन फरमाएगा तेरे कन्ना के अंदर असा नगमे रखे, असा तेरी कन्ना के अंदर समात रखी। क्या कभी कुरान भी सुनया? ये अल्लाह दियाँ नेमतां सारियाँ। इस बारे रब्बुल आलमीन ने सवाल करना है, फरमाएगा तेनू मैं बोलन वास्ते आवाज दी, कलाम करने वास्ते सोनी आवाज दी, लेकिन ये सोनी आवाज नाल कभी मेरा कुरान भी पढ़िया? अल्लाह की बारगाह हर नेमत के बारे सवाल किया जाए। कलाम फरमाते हैं कि इस तो मुराद ये नहीं, इस तो मुराद शरीयत है जिड़ी अल्लाह ने आसान कर दी। की है शरीयत? अज असा कहने यार दीन तो चलना बड़ा मुश्किल है। यार कैसे दीन तो चलना मुश्किल है? पहलियाँ कौमों वाले वेखो, अगर उन्होंने कपड़े तो नजाजत आ गया, कपड़ा पलीत हो जाता, उन्होंने पाक करने वास्ते कपड़ा कटना पैंदा सी। की करना पैंदा सी? कपड़ा कटना पैंदा सी। तेनू तो मैनू कटना पैंदा नहीं पैंदा? असा कपड़ा धोइए तो पाक हो जाता। फिर कहने यार साढ़े वास्ते दीन तो चलना बड़ा मुश्किल है। किवें मुश्किल है? पहलियाँ कौमों वाले वेखो, अगर नमाज पढ़नी होंगी सी मखसूस जगह सी, हर जगह पर नमाज होंगी नहीं सी, कबूल ही नहीं सी। उन्होंने इबादत गावं सन, हज़ारा मील चल के उत्थे जाके इबादत करते सन, फिर जाके इबादत कबूल होंगी है। लेकिन तेरे ते मेरे वास्ते आमना दलाल ने किलियां आसानियां कर दीतियां। फरमाया मेरे गुलामों नमाजा पढ़ लिया जे, अगर मस्जिद ना जा सको तो घरी मसला बिछा लिया जे, अगर मस्जिद ना जा सको तो अपने घर मसला बिछा लिया जे, अगर घर भी ना पढ़ सको, अगर उठ ना सको, चल ना सको, बैठ के पढ़ लिया जे, अगर बैठ के भी ना पढ़ सको फिर लेट के पढ़ लिया जे, अगर लेट के भी ना पढ़ सको फिर इशारे नाल पढ़ लिया जे। पहली गल पानी नाल वजू कर लिया जे, अगर वजू ना कर सको फिर तयम्मम कर लिया जे। यार कितनी आसानियां तेरे मेरे वास्ते। फिर असी कहिए शरीयत चलना बड़ा मुश्किल है। यार शरीयत चलना मुश्किल है तो फिर पूछ, तेरे मेरे वास्ते मुश्किल नहीं। अगर पूछना ही शरीयत चलना मुश्किल है फिर पूछ बिलाल हबशी तो, जिंदी जबान के उत्ते कोयले रखे गए, जिसम के उत्ते खारदार पत्थर रखे गए, जिन्होंने सारी सारी रात तकलीफा दिखाई गई, वह बिलाल ने तो कभी नहीं आख्या शरीयत चलना मुश्किल है। 1400 साल बाद ना कोई कुर्बानी दी, ना को असा इनिया वड्डिया कुर्बानियां दीन नूं दित्तियां, फिर असा ना अपनी औलादा दित्तियां, ना अपने आबाओ अजदाद दिते, फिर आखिए दीन तो चलना मुश्किल है। यार कैसा मुश्किल है दीन तो चलना? वो पुछ सलमान फारसी नूं, हजरत उस्मान गनी नूं पुछ, जिन्होंने कलमा पढ़िया तो उन्होंने एक खल के अंदर वलेट के उन्होंने बदबूदार बो दी गई, दूनी दी गई बिला हजरत उस्माने गनी नूं। क्या उन्होंने वास्ते मुश्किल सी या तेरे मेरे वास्ते? कैसा मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं यारो। अल्लाह की बारगाह के अंदर हर एक ने जवाब दे होना है, लेकिन वो दिन दूर नहीं। करीम आका अली सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह कल क्यामत दे दिन, कल क्यामत दे दिन हर बंदे नूं अपने सामने खड़ा करेगा। करीम आका अली सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बंदे नूं अपने अगों हटन उन्नी देर तक नहीं करेगा, उन्नी देर तक अपने तो हटन नहीं देवेगा जिनी देर पांच सवाल ना कर लवेगा। जितनी देर पांच सवाल अल्लाह ना कर लवे उदों तिकर बंदे नूं अपने अगों हटन नहीं देवेगा। यारो अल्लाह दे सामने खड़ा होना ऐ कोआम गल नहीं। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर उस दे कहर तो जदों कल क्यामत दा दिन होवेगा, मूसा कलीमुल्ला जैसे जलीलुल कदर नबी, उन्हां दे हर एक जिसम दे अंदरों पसीना निकल रहा होवेगा, हर एक लूह दे मोड़ दे अंदरों पसीना निकल रहा होवेगा अल्लाह दे कहर दी वजह तो, लेकिन उस दे अल्लाह दी बारगाह दे सामने खड़ा होना है। फिर रब्बुल आलमीन ने पहला सवाल तेनू तो मैनू करना है, यह गल ज़हन च रखा जे करीम, जेडे तेरे ते मेरे नबी दी जुबान चो अल्फाज निकल जाण ओह की ने? वो हकीकत ने, कैनात बदल सकती है, लेकिन मुस्तफा की जुबान से निकलने वाले अल्फाज नहीं बदल सकते। तो फिर आ गल्ला चार पाँच याद रखा जे, फरमाया पाँच सवाल अल्लाह करेगा, सोचना है कि क्या असी इन्होंने सवालों की तैयारी भी की या ना की। अगर ना की तो अल्लाह की बारगाह में की जवाब देवांगे? पहला अल्लाह ने सवाल करना क़यामत दे दिन, फरमाएगा बंदे तेनों मैं उम्र दी, दस उम्र कितने गुजारी? क्या चौका के अड़िया के गुजार दी? तेनों मैं उम्र इस वास्ते दी, तू डेरिया में बह के गुजार दी, नशे के गुजार दी, तू बंद धोखा करने उम्र गुजार दी, फराड करने गुजार दी, बंदे तेनों मैं उम्र इस वास्ते दी। फिर अल्लाह की बारगाह तू तो मैं जवाब देना, क्या इसका जवाब है? दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, ये घर जाके कभी कल्या बैठ के सोचना कि यारो मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया का माल इकट्ठा करना नहीं,
मकसद कोई और है लेकिन असा किसी और मकसद नू पै गए। असा दुनिया का माल कट्ठा शुरू कर दिता करना, असा कुरान के हदीस नू पसे पुश डाल दिता, कुरान तो दूरी इख्तियार कर दी। रब फरमा रहा है अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया माल कट्ठे कर दे कर दे तुसा कब्रां विच पहुँच गए, लेकिन बंदे इस वास्ते तो तेनू पैदा नहीं किया, तेनू तो बंदे इस वास्ते किया, इस वास्ते पैदा किया इलाल या बुदूर ताकि तू मेरी इबादत करे। क्या मेरी इबादत की थी? कभी सोचना, पहला सवाल अल्लाह करेगा, बंदे तेन मैं उम्र दीती दस कितने गुजारी, भावें बुजुर्ग है भावें बाबा है भावें जो भी है अल्लाह की बारगज खड़ा होना है। अल्लाह ने पूछना बुजुर्ग दस तेन उम्र दीती कितने गुजारी, दीन नू तेरी जरूरत सी लेकिन तू अपने अड्डिया तो ना उठा, ताश के पत्तिया तो ना उठाया, तू टीवी की स्क्रीन तो ना हटिया, तू फिल्मों तो दूर ना होया, ड्रामिया तो दूर ना होया, तू अपने बेलिया साथियों तो घूमन तो दुनिया की रंगीलियाँ तो बाद ना आया, इस वास्ते उम्र दीती सी। दूसरा सवाल नौजवानों वास्ते अल्लाह फरमाएगा जवान तेन जवानी दीती दस कितने जवानी जाया की, अल्लाह ने पूछना है। अल्लाह की बारगाह के अंदर करीम आका ने फरमाया दूसरा सवाल, अल्लाह फरमाएगा बंदे तेन मैं जवानी दीती, क्या जवानी दी नशे दे विच दुनिया ते घूमता रह गया, तेनू मेरा कुरान याद ना आया, तेनू अली अकबर ते अली असगर की जवानी ते उन्हां दा बचपन याद ना आया, अली अकबर की जवानी जैसी कोई जवानी नहीं, कासम की जवानी जैसी कोई जवानी नहीं, बंदे तेनू जवानी दीती क्या तू दुनिया की मुहब्बत के अंदर रंगीलियां के अंदर गर्क हो गया, दीन नू तेरी जरूरत सी, कुफार का गला तू दबोचना सी, दीन नू लैके तख्त तू आवना सी लेकिन तू ना उठा, बंदे तेनू जवानी दीती दस कितने जाया की, फिर नशिया के शराबा कबाबा के अगर जवानी गवाई होगी फिर अल्लाह की बारगाह च इसका जवाब देना पड़ेगा। तीसरा सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे नू करेगा, खालके कैनात फरमाएगा ओ दौलतमंद तेनू मैं दौलत दीती, तेनू मैं दौलत दीती, तू भी लख के वलीमिया ते लाया, तू पंजा लख दियां शादियां ते उड़ा दिता, तू गरीबां दे बच्चियां ना देखियां उन्हां दे सिरां दे अंदर सफेदी आ गई, तेरे महल्ले दे अंदर गरीब बच्चियां दिन रात पानी ते आटे नू तरसदियां रहियां लेकिन तू दुनिया दी रंगीलियां दे अंदर तू हर रोज़ मॉडल ही कारां दे चेंज करता रहा, गड्डियां चेंज करता रहा, वो दौलतमंद क्या तेनू इस वास्ते दौलत दीती सी, क्या तेनू गरीब का एहसास ना होया? तीसरा सवाल अल्लाह की बारगाह अगर जवाब है तो फिर टेंशन नहीं, अगर जवाब नहीं तो राती सौन लग्या, अगर हराम कमांदे ने तो राती सौन लग्या बिस्तरे ते लेट के सोच अल्लाह की बारगाह जवाब दे होना है। फिर अल्लाह फरमाएगा दौलत तो तू कट्ठी कर ली लेकिन किहड़े जरिए नाल कीती, इहदा जरिया की बनया, किहदे दुध च पानी तो नहीं पा दस है, किहदे लोगों नू धोखा तो नहीं देंदा सै, किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं किया, किसी यतीमा का हक दे नहीं खादा, किसी बेवा का हक दे नहीं खादा। करीम आका ने फरमाया अल्लाह ने पूछना कि दौलत तू कट्ठी कर ली की कहे, अल्लाह की बारगाह अगर इसका जवाब है तो फिर टेंशन कोई नहीं, अगर नहीं तो कभी सोच रात बिस्तर से लेट के तो यार मैं किहड़े पासे जा रहा, यह जिंदगी हमेशा नहीं रहनी। चौथा सवाल रब्बुल आलमीन फरमाएगा तेनू पैसा दे दिता दस खर्च कितने किया, तेनू दौलत दे दीती क्या शादिया वास्ते दीती या ढोला वास्ते या बेहजाई वास्ते दीती, इस वास्ते दौलत दीती अल्लाह की बारगाह अगर जवाब है तो टेंशन नहीं, अगर नहीं तो कभी सोच। पंजवां सवाल अल्लाह पाक फरमाएगा वो बंदे तेनू इलम दिता की दिता, इलम दिता दस दोस्ते अमल किया या ना किया, रब्बुल आलमीन फरमाएगा फला जगह ते मौलवी रो रो के तेन कहता रहा ओए बाज आ जा बेहजाई तो उरियानी फाजी तो बाज आ जा, क्या तेन उस टाइम भी पता ना लग्या? इस पंजा सवालों का जवाब अल्लाह की बारगाह देना है, अगर जवाब इन पंजा सवालों के हैं फिर टेंशन नहीं, अगर सवालों के जवाब नहीं अज रोल है अज का रोना कम आ जाएगा, लेकिन अज अगर ना रोया अज अगर माफ़ी ना मंगी अज अगर तौबा ना की फिर पछतावे तो इलावा कोई हल कोई नहीं, फिर अल्लाह की बारगाह के पछतावा यारो असा दुनिया की खातर की किया, कभी दीन दे वास्ते भी कम किया, कभी दीन दे वास्ते भी सारियां नू छड़ के मस्जिद जा के कुरान पढ़िया, किसी नहीं नाल जाना ना बच्चियां जाना ना बीवी जाना ना माँ प्यो जाना है, अगर साथ जाना है तो मुहम्मद अरबी के कुरान ने जाना है।
क्यों ना होवे कि असा कुरान नू पढ़िए रात, कुरान नू पढ़ के सोइए जदी रात, ओ कबर अंधेरी जिथे ने काम आवना है। इयो गल नू मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जुबान दे अंदर कीता। आप फरमांदे ने जेड़े कहंदे सी मरांगे ना अमल की तौफीक अता फरमाए।